सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by your love and support. Check description for more information. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सॉरी थोड़ी सी देरी हो गई है और इसके अलावा खुशी की बात है बहुत ज़्यादा दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को हाथ जोड़ के थैंक यू, क्योंकि ये दोस्तों हमने कंप्लीट किया है 500वां एपिसोड टेकटॉक्स का और हमने बहुत ही कमाल दोस्तों यहाँ पे टीम वर्क दिखाया है, जहाँ पे आपने वीडियोज़ को अप्रिशिएट किया है, आपने उनको देखा है, सीखा है, समझा है। मैंने अभी दोस्तों थोड़ी बहुत कोशिश की है कि भैया आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ रोज़ाना बिना किसी रुकावट के, और आज दोस्तों हम करते करते शुरू किया था जीरो पे और हैं 500 कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही 500 के ऊपर, चाहे फिर वो 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 3000 तो यार 10 साल हो जाएगा, हाँ लेकिन मतलब कर लेंगे कंप्लीट। और पूरा दोस्तों भरोसा है कि आपका जो साथ है वो ऐसे मिलता रहेगा। सॉरी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो के लिए, ज़्यादा क्या कुछ भी खास नहीं कर पाया बिकॉज चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है, मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, लेकिन भरोसा यही है कि आगे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा और आपका साथ ऐसी जो है वो बना रहेगा और हम कुछ इंटरेस्टिंग काम साथ मिलकर करते रहेंगे और टेकटॉक्स को ऐसे ही नॉन स्टॉप लेके आते रहेंगे। उसमें पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया जापान डिस्प्ले की तरफ से, और ये है VR जो हेडसेट दोस्तों उसके लिए एक नया डिस्प्ले जहाँ पे 3.25 इंच का ये स्क्रीन है और जो डेंसिटी दोस्तों पिक्सल्स की है वो है 1001, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा एकदम नज़दीक पिक्सल्स हैं, तो ऐसे में जो क्लैरिटी मिलेगी वो बहुत ही कमाल मिलेगी और ऐसे में हर एक आँख में हो अगर 3.25 इंच और 3.25 इंच तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों हो सकता है कॉन्सेप्ट VR हेडसेट्स के लिए। और देखते हैं कि ये जो जापान डिस्प्ले है ये एक्चुअल में कौन सी कंपनी यूज़ करती है, क्योंकि अभी होता क्या है ना कि फ़ोन भी आप कर लो या आप अलग से भी कर लो तो आपको ना वो डॉट डॉट पिक्सल्स दिखते ही हैं, लेकिन अगर इतना ज्यादा हो जाएगा 1001 PPI तो शायद हम उसको इंप्रूव कर सकें। तो उसमें अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया बोस्टन डायनेमिक्स के एटलस रोबोट को लेके, और ये उछल कूद मचा रहा है भैया, पहले तो इंडोर्स में कर रहा था, अभी दोस्तों आउटडोर्स के अंदर लकड़ियां कूद रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मतलब ये इंसानों की तरह जो है वो बैलेंस करना सीख पा रहा है काफी अच्छे तरीके से और काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है। तो भैया अभी देखो कि जो ये रोबोट होगा उस तरह के रोबोट जब आगे भी आएंगे जो हमारी तरह दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे, मूवमेंट्स कर पाएंगे अपने बॉडी का, तो थोड़ा डर लगेगा ना यार, लेकिन ये है एटलस रोबोट बोस्टन डायनेमिक्स की तरफ से। तो उसमें अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेके कि यार सिलिकन नैनो वायर्स जो हैं अगर हम उनको लगा दें कहीं कांच वगैरह में, तो यहाँ पे तो उसमें कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है स्मार्ट सोलर विंडोज़ का, यानी कि जो विंडो है वो सोलर पैनल भी एक तरीके से जो दोस्तों एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर रही है आपकी बिजली में, इसके अलावा वो एक स्मार्ट पैनल है, यानी दोस्तों वहाँ पे आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है, वहाँ पे टच स्क्रीन भी हो सकता है, यानी कि आपको क्या पता खिड़की के बाहर जो है वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि भैया क्या आपका एजेंडा है, मौसम कैसा है, या कुछ और दोस्तों आप काम कर पा रहे हैं, कैलेंडर आ गया फॉर एग्जांपल, उसके बाद में आप उसमें इंटरेक्ट भी कर रहे हैं टच स्क्रीन से, और वो जो बिजली है वो तो आ रही है सीधा बाहर रोशनी से। तो मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आगे चल के हम शायद स्मार्ट विंडोज़ को बना पाएंगे ऐसे ही नैनो वायर्स की मदद से। नैनो वायर ना लेकिन मास स्केल पे अभी तक भी हमारे लिए बना पाना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, आगे जाके बना पाएंगे बिकॉज ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया इंटेल की तरफ से, और ये अभी AI सिस्टम्स में ऐसी दोस्तों भी रिसर्च करने वाले हैं कि जहाँ पे बात हो पॉसिबिलिटीज़ की या फिर ट्राई करने की। भाई अभी आप मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको लैपटॉप ऐसे उठा के ऐसे करना है एक हाथ से, अभी मेरे को नहीं मालूम कि लैपटॉप में उठा पाऊंगा, लेकिन मेरे में एक समझ है, मेरे को मेरे जो एक्सपीरियंस उससे मालूम है कि हाँ इसका वेट इतना है कि मैं इसको एक हाथ से उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो AI सिस्टम्स हैं वो भी ऐसे ही कि वो रिस्क लें या फिर वो देखें कि चीज़ों को, भैया मैंने पहले इसको किया हुआ है क्या, कैसे करूँ, क्या करूँ, या इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हो पाएगा या नहीं, ट्राई करने के लिए, फिर चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात हो, दोस्तों किसी और चीज़ की बात हो, वहाँ पे कैसे इंप्रूव किया जाए, फॉर एग्जांपल चाहे कोई चीज़ को उठाना है, रखना है, कुछ और काम है, उसमें अभी डेवलपमेंट कर रहा है यहाँ पे इंटेल। तो आगे चल के ना मतलब हमारा दिमाग बौना बन जाएगा ऐसा मेरे को लगता है, बहुत डरावना टाइम है यार। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वो है भैया गूगल की तरफ से, और गूगल की तरफ से अपडेट ये आता है कि इस साल के एंड भैया उनको मालूम है कि आने वाला है पिक्सल 3 XL, इसके अलावा पिक्सल बड्स का जो वेरिएंट 2 है वो भी आएगा, और यहाँ पे दोस्तों एक पिक्सल ब्रांडेड स्मार्ट वॉच भी आ सकती है जो कि दोस्तों काम करेगी VR OS के ऊपर ऑफकोर्स। तो देखते हैं कि यहाँ पे गूगल क्या क्या लॉन्च करता है, और अगर वो स्मार्ट वॉच आई तो मैं यूज़ करना बिल्कुल पसंद करूँगा दोस्तों। देखते हैं कि ये अपडेट कब तक आता है, मेरे ख्याल से अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है, बाकी हम देखते हैं आगे चल के। तो अगला अपडेट निकलता है यहाँ पे वो है लिनोवो की तरफ से, यार ये भैया तीर मार दिया बहुत ही तगड़ा,
एक दोस्तों स्केच सामने आता है जहां पे फुल डिस्प्ले है। मैंने आपको दिखाया था कि दो दिन पहले दोस्तों एक फोटो आई थी जहां पे वो ऑलमोस्ट पूरा स्क्रीन था, ऊपर को नॉच वॉच कुछ भी नहीं थी। तो यहां पे दोस्तों ये जो फोटो है तो भैया पूरा का पूरा स्क्रीन है, बिना किसी नॉच के, बिना किसी बेजल के, ऊपर नीचे दाया बाया दोस्तों कुछ भी बेजल नहीं है। और ये शायद लिनोवो का फ्लैगशिप हो सकता है, लिनोवो Z5। और ये देखते हैं कब तक आता है। अगर ऐसा मार्केट में लेके आ गया ना फोन तो मतलब धमाका हो जाएगा यार, क्योंकि जो वीवो एपेक्स है उसमें भी थोड़ी सी नीचे बेजल है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली बेजललेस कर देते हो काफी कमाल कॉन्सेप्ट है। तो अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग भैया इंडिया में अभी जो है वो इस महीने दो गैलेक्सी ए सीरीज के फोन और दो गैलेक्सी जे सीरीज के फोन लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि इसमें कुछ 20-25 हज़ार रुपये की रेंज में होंगे गैलेक्सी ए लाइनअप जो A6 और A6 Plus है, और यहाँ पर उसके अलावा जो गैलेक्सी जे सीरीज के फोन है वो होंगे 15-20 हज़ार रुपये की रेंज में। देखते हैं कि कितने इंटरेस्टिंग फोन होते हैं, क्या होते हैं इनका हार्डवेयर और ये कितने अपीलिंग है मार्केट्स के लिए। क्या पता सैमसंग कुछ अच्छा काम करे और सभी सेंसर्स लगा दे, और क्या पता वो ना लगाए। तो उसमें देखते हैं कि सैमसंग क्या लॉन्च करता है अपने गैलेक्सी जे सीरीज और ए सीरीज के इन फोन्स में। तो उसमें अगला अपडेट निकलता है यहाँ पे वो है नोकिया के X6 को लेके, और नोकिया X6 एक नाम जो है वो स्पॉट किया गया है ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन में, जहां पे ये भैया जो नोकिया का अपकमिंग X है वो हो सकता है अगर 16 मई को लॉन्च होने वाला है चाइना में या फिर दोस्तों कुछ और फोन होगा वो हम देखेंगे। लेकिन नोकिया ना कमबैक कर सकता है यार, नोकिया के पास मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ है, अगर वो सही प्लानिंग करें तो शायद और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू है नोकिया की वो आज की डेट में भी कम नहीं हुई है, लोग आज भी इज्जत करते हैं नोकिया की। तो ऐसे में आप दोस्तों मुझे बताओ कि क्या सोचते हो नोकिया कमबैक के बारे में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है शाओमी की तरफ से, और कूलपैड ने भैया स्यू कर दिया है शाओमी को और बोलते हैं कि तुम ये कुछ कुछ फोन मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का हिसाब किताब है इनका। बोलते हैं कि आपने जो ये ट्रिपल कार्ड का सिस्टम है जहाँ पे दो सिम है एक एसडी कार्ड है वो हमसे आइडिया लिया है, या पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बोलता है कि कुछ फोन्स का जो है वो प्रोडक्शन रोकने के लिए बोला है यहाँ पे शाओमी को कूलपैड ने, मतलब कूलपैड को लगा होगा ना क्या बोलते हैं उसको बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम, शाओमी को स्यू करते हैं और करते हैं कुछ और, समझ लो राइमिंग के अंदर क्या बनता है। तो ये दोस्तों हो सकता है, लेकिन अभी देखो क्या सीन निकल के आता है। तो अगला अपडेट निकल रहा है वो है यहाँ पे YouTube की तरफ से, और YouTube में अभी HDR का सपोर्ट आ गया iPhone 10 के लिए। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भैया अपने आईफोन में HDR वाली अच्छी तरह वीडियोस को यूट्यूब ऐप के थ्रू, जो पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन अभी जो है वो एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि भैया जो HDR वाला कंटेंट है वो कैसा दिखता है आपके इस आईफोन 10 के स्क्रीन पे। तो उसमें अगला अपडेट निकलता है वो है वीवो की तरफ से, और वीवो का लॉन्च भैया इंडिया में कन्फर्म हो गया 29 मई को। ये है वीवो फोन X21 UD, बोले तो अंडर डिस्प्ले। और मैं आपको पहले बोल ही रहा था कि भैया ये फोन जो है वो आने वाला है जिसमें होगा स्क्रीन के नीचे लगा हुआ फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फोन की फोटोज आपके सामने है, स्नैपड्रैगन 660 है या फिर पता नहीं क्या है, अभी दो तीन इस फोन के वेरिएंट्स हैं कौन सा वीवो इंडिया में लेके आता है। आई होप कि स्नैपड्रैगन 660 वाला लॉन्च है तो थोड़ा और मज़ा भी आएगा, बाकी प्राइसिंग के ऊपर बात डिपेंड करती है। सही प्राइस रही तो भैया फोन का कंसेप्ट काफ़ी अमेजिंग है कि इंडिया का पहला फोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला, बिकॉज क्या बोल सकते हैं। अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे आईफोन SE 2 को लेके, और यार कभी ये बोलते हैं नॉच होगी, कभी बोलते हैं नॉच नहीं होगी। तो मतलब अभी यहाँ पे दोस्तों जो नया एक आया है लीक निकल के, ये आई है कंपनी ओलिग्जार जो बनाती है केसेस वगैरह स्क्रीन गार्ड्स वगैरह, उसकी तरफ से उसमें है यहाँ पे एक रेंडर और बोलते हैं कि ये होगा भैया ऐसा दिखने में। तो मतलब ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा आईफोन ओरिजिनल SE या फिर आईफोन 5S जैसा, और बस उसमें आप नॉच लगा दो, डिस्प्ले को पूरा H2H कर दो, तो भैया दिखने में तो फोन बड़ा कमाल लग रहा है। लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये कब लॉन्च होगा वो हम देखते हैं आने वाले दिनों में। और दोस्तों फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल की गुड न्यूज, और ये आती है गूगल की तरफ से, जहां पे गूगल अभी जो एंड्रॉइड दोस्तों फोन बनाने वाली कंपनीज हैं उनको फोर्स करने वाला है कि भाई तुम मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स दो, तुम्हारा मंथली सिक्योरिटी अपडेट कहां है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं फोन बना देती हैं मार्केट में, बाद में हिसाब किताब है ही नहीं भैया, अपडेट छोड़ो कुछ नहीं मिलता हमें बाद में फोन में। तो यहाँ पे अगर दोस्तों गूगल फोर्स करेगा मैन्युफैक्चरर्स को तो शायद एक अच्छी बात हो सकती है कि एटलीस्ट चलो ठीक है सबको अगर नहीं भी कंट्रोल कर पाया तो एटलीस्ट दोस्तों जो बड़े नाम है वो तो आपको हर महीने अपडेट दें, जहाँ पे भैया कुछ आपको नया मिल रहा है फोन में, एटलीस्ट आपके फोन की सिक्योरिटी एनहांस हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों गूगल जो है वो कैसे कंट्रोल करता है इस एंड्रॉइड अपडेट की प्रॉब्लम को। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।